हे गाइस, तो आज हम बनाएंगे एक जुगाड़ वाला ग्लू गन। तो फ्रेंड बिल्कुल ये हमारा ग्लू गन जो होगा एकदम मार्केट से सस्ता होगा, एकदम जुगाड़ वाला होगा। फ्रेंड इसके लिए हमें कोई ख़राब सेल ले लेना है घड़ी का, और फ्रेंड इसके ऊपर का कवर हम निकाल लेंगे, जैसा कि फ्रेंड आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड इस टाइप से कवर को निकाल के इसको हम सीधा कर लेंगे गाइस, इसको हम अच्छी तरीके से एकदम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स इस ग्लू गन के लिए हमें मात्र ग्लू स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, और फ्रेंड हमें ग्लू गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड इस टाइप से इसको हमने बना लिया है, और फ्रेंड इसको हम शंकु के आकार में मोड़ेंगे। फ्रेंड जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप से इसको हम मोड़ लेंगे, और फ्रेंड बिल्कुल एकदम प्लास के सहायता से एकदम धीरे धीरे आसानी से मोड़ लेंगे। फ्रेंड भी इजीली ये मुड़ भी जाता है, और फ्रेंड आगे थोड़ा सा स्पेस हम आगे छोड़ देंगे नुकीले वाले पार्ट पे, जिससे कि हमारा ग्लू आसानी से बाहर निकल सके। और फ्रेंड शोल्डर आयरन ले लेंगे, इस पर हम इसको चिपका के बांध देंगे। फ्रेंड किसी भी पतले वायर से इसको हम अच्छे से बांध लेंगे। फ्रेंड इसको जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं उस टाइप से इसको हम बांध लेंगे। फ्रेंड बिल्कुल हमारे शोल्डर आयरन से शंकु चिपका होना चाहिए, जिससे कि हमारा शोल्डर आयरन हिट होने के बाद ये शंकु भी पूरा हिट हो जाए, तभी फ्रेंड्स हमारा ग्लू बाहर निकल सकता है। फ्रेंड इस टाइप से इसको हम बांध लेंगे। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और फ्रेंड इसके आगे वाले पार्ट को भी हम अच्छे से बांध लेते हैं। फ्रेंड इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा शोल्डर आयरन से एकदम चिपका होना चाहिए जो हमारा शंकु है। अब फ्रेंड इसको हम एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देंगे प्लग को, और फ्रेंड स्विच को ऑन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा शोल्डर आयरन हिट हो गया है। अब हम ले लेंगे ग्लू स्टिक और इसको हम लगाएंगे ऊपर। जैसे फ्रेंड आप वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप से इसको हम लगा लेंगे। ये जो हमारा ग्लू स्टिक है ये मेल्ट होकर आगे निकलेगा फ्रेंड, जैसा कि फ्रेंड आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।